फाइनली हम पहुंच गए काठ गोदाम। अब जस्ट यहां से हमें अभी एक कैब करनी है और कैब करने के बाद में सीधा हम पहुंचेंगे भवाली। जब आप काठ गोदाम पहुंच जाते हो, जो ये फुट ओवर ब्रिज है वहां पर खड़े होकर के जब आप नैनीताल की तरफ मुंह करके देखते हो, कसम से बताऊं इतना अच्छा नजारा जैसा कि आप देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है ये नजारा, बहुत ही अमेजिंग लगता है यार। मैंने कैब कर ली है और कैब में बैठ गए हैं और बस हम निकल लिए भवाली के लिए। आई थिंक इतना 30 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है यहाँ से। एक चीज़ को आपका खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई लग जाएंगे आपके पास में कि मैं लेके चलूँगा, मैं केवल 1000 में लेके चलूँगा, मैं 800 में लेके चलूँगा, मैं 700 में लेके चलूँगा, लेकिन आपको देने कितने हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है आई थिंक 300 रुपये भवाली के पड़ेंगे और सॉरी 300 रुपये आपको पड़ेगा नैनीताल तक का, इतना ध्यान रखना है आपको। और लेकर के तो आपको 2000 2500 में भी लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको सेपरेट जो कि अल्टो है 800 वो हमको लेके जा रही है अभी 250 रुपये में भवाली तक। तो आप जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 300 रुपये पे करने हैं। कहाँ के लिए? नैनीताल तक के लिए। लगभग 45 मिनट का सफर कब पूरा हो गया ये पता ही नहीं चला। इतना प्यारा रास्ता था जिसे देखकर मन वैसे ही प्रसन्न था। आखिरकार हम पहुंच गए इस भीमताल लेक के पास। कितना सुंदर नजारा, वैसे कैमरे में इतना अच्छा तो नहीं आ रहा है, लेकिन यह है इतना प्यारा नजारा सामने से देखने में आता है कि बिल्कुल मन बाग बाग हो उठता है। होटल से मात्र 15 या 20 मीटर के बाद ये नज़ारा दिखता है और ये सामने भीमताल दिख रहा है। बादल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छुआ हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, और ये बादल ऐसा लग रहा है ना कि पहाड़ पे बिल्कुल छुआ हुआ है एकदम से। क्यों पिक्सल्स बिल्कुल फट रही हैं क्योंकि फ़ोन का व्यू आप जानते हो। ये भीमताल है ये। हाँ हट जा रहे हैं। देखा आखिरकार मार ही दिया। लेकिन शाम का जो नज़ारा है ना यारों, बिल्कुल जबरदस्त रहता है। जरा सा भी मतलब ना कोई स्मेल बन रही है ना स्वाद। ये प्योर पहाड़ का पानी है, ये पहाड़ का पानी है भाई लोग। और ये आगे जा करके इसको इकट्ठा करते हैं लोग अपने उसके लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। यहाँ से ये पानी आ रहा है। हम हैं इस समय ये पीछे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे जो ये दिख रहा है ना, ये पीछे दिख रहा है, यहाँ पे नाशपत्ती का और कई फलों का मतलब यहाँ पर वो है दिखा रही है आपको। ये वो है मतलब बाग है बहुत बड़ी सी, और ये चारों तरफ ऊपर देखो हिल्स हैं, बहुत ही अच्छा पूरा मस्त सा नज़ारा है यहाँ का। और एक ये प्यारा सा गांव है, फरसौली बोलते हैं इसको, फरसौली। ये पूरा गांव है और ऊपर एक थोड़ा सा एक प्लॉट टाइप का है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, काफ़ी बड़ा ज़मीन है। छोटू साइकिल चला रहा है। हाँ भाई, माई इंडियन ब्लॉग्स, हाँ माई इंडियन ब्लॉग्स। तो ये नाशपत्ती की बाग है ना बेटा, उन्होंने लगवाए हुए हैं अपने, नहीं जाने, ये पता नहीं हम लोगों को तो जाने नहीं, हाँ किसी को नहीं जाने देते होंगे ऐसे। आपको चाहिए तो मैं अपने वहाँ से ले आऊँगा। आपके यहाँ लगा भी है क्या? हाँ। क्या आपने सुना कि पूरी बात हो चुकी है छोटू से? छोटू ने मॉर्निंग में बोला है कि मैं घुमाऊँगा, तो हम लोग रेडी हैं घूमने के लिए। इतना अच्छा गांव लग रहा है, मैं तो क्या बताऊं, मेरा बस चले तो मैं यही बस दूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आंटी। हमें तो स्वेटर पहननी पड़ी, मच्छर काटने में आते थे मच्छर। हाँ मच्छर तो है, मच्छर बहुत काटते हैं हम लोग। अगर वो इतना बढ़िया, ये पूरा गाँव है ना ये? हाँ गाँव है पूरा। इतने से यहाँ पर रोड से ऊपर कोई फरसौली गाँव आता है, ये फरसौली गाँव से है ना ये एरिया, जहाँ पर एग्रो है ये है यहाँ पर। इसके आगे भी मतलब काफी दूर होगा रास्ता कि नहीं? आगे तो एक ही मकान बस है इसके नीचे, बस आगे जाके ना हमारे यहाँ पर हमारा घर है, इसके नीचे तो 2-3 मकान है, एक घर करके 2-3-4 मकान है। कोई फ्रूट्स वगैरह के पौधे वहाँ पे उनके? नहीं फ्रूट के मतलब फल के, फल के तो पेड़ तो, और कोई फ्रूट के पेड़ तो आजकल तो फिर कमी ठहरे। फिर वो है ना क्या कहते हैं कठोर आड़ू होते ना हमारे, तो ज्यादा मीठे भी दिए करो करो से ऐसे होते हैं। वो खाते क्या आप लोग? नहीं खाते नहीं, जैसे कि हम लोग बस कल वीडियो बनाते थे कि हाँ कैसे 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 फ्रूट्स होते हैं, हाँ गाँव कैसा है, कितना प्यारा है। और यहाँ से कैसे लगे थे वो? हाँ यहाँ से नहीं तो वहाँ तो मतलब जाना पड़ेगा, मतलब अभी तो मैं मॉर्निंग में चला जाऊंगा यहाँ से 10-11 बजे के करीब में। अच्छा अच्छा, अब सुनो मम्मी लोग फिर ना पूरे यहाँ जाके ना आप हो जाएगा, आप नीचे से घर में चले जाओ, नीचे भी है पेड़ अच्छा है, वो बहुत आ जाओ इधर से आओ, चलते आलू का पेड़ है नीचे, घर में चले जाओ बहुत अच्छा आलू। हाँ 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 मैं जाके देखता हूँ। नहीं ब्लॉग बनाते हैं। 7 अगस्त ठीक है, और मॉर्निंग के आई थिंक कितना बज रहा है? 9:18 मॉर्निंग का 9:18 हो गया। और मेरा जो दोस्त है कृष्णा, आज मुझे घुमाने के लिए अपने बाग में लेकर के जाएगा। मैं आ करके उसके रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ अभी, जस्ट मान के चलिए 10 या 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। हम दोनों ने कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी पी ली नहीं है मतलब काफ़ी पी लिया है, पी लिया है। और बस अब रेडी हैं दोनों अब जाने के लिए। कृष्णा के साथ में अभी हम आपको दिखाएंगे नाशपत्ती के पेड़ और माल्टा के पेड़ और आड़ू उसके पौधे। तो आपको इन सब के पेड़ दिखाएंगे और फ्रूट्स दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहाड़ों में मतलब इतनी मस्ती रहती है भाई, इतनी मस्ती रहती है कि फिर मज़ा ही आ जाता है। ऐसे ही मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा रानीखेत एप्पल गार्डन और बहुत सारी जगहों पे। तो चलते हैं, हम इधर से जाने वाले हैं नीचे, इधर से नीचे, यहाँ नीचे उधर आपकी ताई का ये कृष्णा भैया कैसे कैसे रास्तों से कृष्णा ले जा रहा है भाई। आराम से चलना देख के सीधा नीचे जाओ। ये होता है पहाड़ का असली मजा भैया। हमको तो बहुत डर लग रहा है। चलो आराम से आराम से। बाबू ये अखरोट का पेड़ है, ये वाला। ओहो अखरोट का पेड़ हो, अखरोट लगा भी है। ये देखो ये अखरोट का पेड़ है, ये वाला। मैं आपको दिखाता हूँ अखरोट। अरे तो एक तोड़ लो ना। एक ऐसे तोड़ो बाबू। मैं तोड़ दूँगा। ये है सामने। तोड़ लो। ये देखो, ये है अखरोट। ये अखरोट है भाई, देख रहे हो ना, यही अखरोट है। और मैं इसको इसी से बगल में भी है। ये मैंने अखरोट तोड़ लिए। ये अखरोट का भी, ये अखरोट है। कितना प्यारा है, इसको देखो तोड़ के। क्या हमें तुमने तोड़ दिया अलग-अलग अभी यार, तो क्या हुआ? चलो चलिए, रहो इसको तोड़ने में। ये रहो, आराम से। रामदाना है, रामदाना मालूम है ना? रामदाना जो व्रत में खाया जाता है। और ये रहा डहेलिया का फूल, डहेलिया का पौधा। ये कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखो नाशपाती के हैं, ये सब नाशपाती लगी हुई है। देखो ये नाशपाती का है, और ये नाशपाती लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये कृष्णा है, इसकी एक शॉप भी है भाई। और ये बंदा मतलब इतना लॉयल पर्सन मैंने तो कभी देखा नहीं। ये बंदा इतना अच्छा है। इन्होंने मुझे वहाँ से बोला कि हाँ भैया, मैं एक क्या था कि एक नाशपाती का पेड़ था, मैं वहाँ पे गया तो मैं सोच रहा था अंदर चला जाऊँ, देख लूँ पेड़ इसके कैसे होते हैं। बट वहाँ पे मुझे बताया गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से मुझे दिखाया नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं ब्लॉग बनाने नहीं दूँगा, आई एम सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वहाँ पर कृष्णा था और इसने मुझसे कहा कि भैया आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको पूरी की पूरी पार्क दिखा दूंगा, जहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं और इवन नाशपाती वगैरह के काफ़ी पौधे हैं। तो आप आसानी से वहाँ घूम सकते हो, टहल सकते हो। और इसने मुझे वहाँ दिखाया यहाँ सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच भाई। अगर कभी आपको यहाँ आना होता है तो मैं एड्रेस वगैरह मैं डाल दूँगा। आप यहाँ जब आओगे तो काफ़ी कोऑपरेटिव पर्सन है, आपको अच्छा लगेगा। ये है भवाली मार्केट, और इस मार्केट से जैसा कि मन्नू भैया ने बताया कि यहाँ से जो है काफ़ी मतलब पूरे पहाड़ पे रोड यहाँ से गई है, मतलब इस भवाली मार्केट से। तो यहाँ से मतलब कई जगह रोड गई है। यहाँ से अभी हम लोग तो जा रहे हैं रानीखेत जा रहे हैं, और रास्ते में बाबा कैंची धाम मतलब नीम करोली बाबा के यहाँ भी जाएंगे। तो ये भवाली मार्केट है। यहाँ इस चौराहे से कई जगह रास्ते निकले हुए हैं जो कि चारों तरफ गए हैं। तो हाँ, नैनीताल को छोड़ के, नैनीताल का रास्ता यहाँ से नहीं गया। ये उत्तराखंड परिवहन निगम का ये डिपो है। तो ये चारों तरफ जो है आप शॉप देख रहे हैं यहाँ, और अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अच्छी है। हम अभी पहुंच गए हैं टॉप पर, बाबा नीम करोली धाम। ये बाबा नीम करोली का धाम है, और इसके चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ चारों तरफ से यहाँ पर हैं। और बाबा का जो धाम है वो जस्ट नीचे है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये है बाबा का धाम, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा का धाम है। अभी मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ, वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लगता है कि यहाँ का जो चारों तरफ का जो नेचर है वो वाव है। नेचर एकदम नंबर 1 क्लास का। और देखिए बादल एकदम से पहाड़ियों को छू रहा है। यार गजब का सिस्टम है। और कहते हैं यहाँ पर बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो यहाँ पर आए हैं और उनका कल्याण हुआ है बाबा का। तो आज हम भी चल के देखते हैं कि बाबा कोई ऐसा चमत्कार करे कि हम भी उसी श्रेणी में आ जाएं। जय हो नीम करोली बाबा की। आपको एंट्री करते ही एक बहुत प्यारी सी इस जगह पे नदी मिल जाएगी। हाँ, नदी। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पे आपको दर्शन करते हुए मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये माता वैष्णवी का भी यहाँ पे मंदिर है और इधर भी आप देख सकते हैं पानी गिर रहा है बहुत तेजी से। इतना अच्छा है यहाँ का नज़ारा, देख सकते हैं। फोटो में जाओ। हालांकि यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम अंदर तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते। हालांकि देखेंगे, अगर कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नॉट अलाउड है। ठीक है, तो देखो जो ये वाइट वाला मंदिर दिख रहा है, ये बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है। अंदर बाबा की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित है। और ये जो रेड मंदिर दिख रहे हैं, ये जो है इनमें भगवान विष्णु, हनुमान जी और माता वैष्णवी का मंदिर है। और इधर जो सेपरेट दिख रहा है, ये माता भगवती का है ये मंदिर। तो दोस्तों, ये पूरा जो है एक जो धाम है, इतना प्यारा धाम है कि अगर आप एक बार यहाँ आओगे तो जाहिर सी बात है बाबा के यहाँ धाम पर आने के बाद में आपको इतनी शांति और इतनी सुख मिलने वाला है, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ और मैंने बाबा से ये मन्नतें की हैं कि जाहिर सी बात है कुछ पर्सनल मस्ती मैंने की हैं, तो वो मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन है यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ श्रद्धालुओं का तो मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में तो थोड़े कम श्रद्धालु आते हैं कोविड-19 की वजह से, अन्यथा यहाँ श्रद्धालुओं का बिल्कुल तांता लगा रहता है चारों तरफ। तो ये है बाबा नीम करोली का धाम। ये है वो फ्रॉग पॉइंट और ये है वो पत्थर वाला फ्रॉग। और इस पुल से आप नीचे देख लो, यहाँ पे काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। ज़्यादा किनारे में तो ये भैया एक नॉर्मल लोग होते हैं और एक होते हैं लीजेंड। तो ये लीजेंड है इसलिए क्योंकि देखो भैया, ये हील, हाई हील पहन के पहाड़ों पे आई है। बताओ, चलो चलो चलो, मैं हाथ नहीं देने वाला, चलो ऐसे ही चलो चलो, आराम से संभल के देखना, संभल के पैर रखना, नहीं गिरोगी तो डब्बी हो जाओगी। हम पीछे हैं बस देखने के लिए, वीडियो बनाएंगे सोशल मीडिया पर डालेंगे। आराम से छोड़ो, चलो चलो, वो झुला रहा है। हम लोग पहुंच गए नीचे, कहाँ, नदी में। चारों तरफ भैया मज़ेदार वाला, देखते हैं। ये अपना मोटू फ्रॉग है जिसके नाम पर यहाँ टैक्सी वाले आपको लेकर के आते हैं, जिसे बताते हैं अपने आप ये फ्रॉग बना। तो देखो भैया, इसे मैं बिल्कुल से पास से एकदम से दिखा दे रहा हूँ, ये फ्रॉग कैसे दिख रहा है। ग्राम सभा सिलमी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं पता। हाँ, ये चेतावनी, यहाँ पर कुछ चेतावनी है। इस स्थान पर स्नान करने से डूबने एवं बहने की पूर्ण संभावना है। जिससे मृत्यु भी हो सकती है, अतः इस स्थान पर स्नान करना मना है। लेकिन भैया ये बता तो दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं। भैया सुनो, उधर नहीं जाने का, उधर ज्यादा ना जाओ, उधर ना जाओ, मैं बोला नहीं जाना है, उस वाले पत्थर पे जाओ, पीछे वाले पे। अगर बह जाओगी तो मैं बचाऊंगा नहीं, हरामखोर। पैर फिसलता है बाबू बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, पैर फिसलता है। पैर में कुछ चिपक गया, काट रहा है। इधर एप्पल गार्डन है, ये सारा देख सकते हो आप। लेकिन अगर किसी भी एप्पल के पौधे में अगर फल लगा हुआ है, एप्पल लगा हुआ है, तो वो कवर्ड है, पूरा का पूरा कवर्ड है उससे, मतलब कहीं उससे देखो कवर्ड है। ये मैं आपको एप्पल जूम करके दिखाता हूँ, ये एप्पल लगा हुआ देख सकते हो। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये सब एप्पल के ही पौधे पेड़ हैं अल्टो, बट इसमें से सारे तोड़ चुके हैं ना। इन सब पेड़ों से एप्पल टूट चुके हैं। संभाल के आना, कीचड़ है। पहाड़ी फूल काली दुर्गा मंदिर, ये रानीखेत में है और हम लोग चल रहे हैं अब दर्शन करने। जब ज़्यादा खा लो ना तो चला नहीं जाता है। कुछ लोग हैं खा ज़्यादा लेंगे और फिर चल नहीं जाएगा। ये चीड़ का फूल है, पूरा चीड़ का फूल है ये। कितने अच्छे लग रहे हैं ये। यहाँ पे क्या हुआ कि अंदर वीडियो नॉट अलाउड था, फोटोग्राफी भी नॉट अलाउड थी, लेकिन हम अंदर गए तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर गुरुजी, अरे बहुत ही उम्रदार मतलब गुरुजी, माताजी, मतलब काफ़ी हैं यहाँ पर, मतलब कई लोग हैं। और माता काली जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ और ख़ासकर इन बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप रानीखेत आते हैं तो ज़रूर काली माता के दर्शन के लिए आप अवश्य आएँ इस मंदिर तक, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से दर्शन करने के बाद में आप जाएंगे गोल्फ ग्राउंड जाके हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। ये है यहाँ का गोल्फ ग्राउंड, रानीखेत का ये गोल्फ ग्राउंड है। बहुत अच्छा व्यू है चारों तरफ का, झक्कासा। ये सेल्फी लिया जा रहा है भैया। अभी हम जस्ट उठकर फ्रेश होकर होटल हेमट्रैक से नीचे जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो बस निकल पड़े हैं। हम लोग थोड़ा मार्केट घूम ही रहे थे कि थोड़ी देर में ये पता चला कि बारिश हो रही है। और बारिश का मौसम नैनीताल में इतना ठंडक ला देता है भाई, ठंडा बहुत अच्छा खासा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये देखो नाव, जितनी भी नाव यहाँ देख सकते हो, ये इतनी सारी नाव थी, सारी नाव बिल्कुल वापस ला रहे हैं किनारे पर, क्योंकि बारिश में किसी के पास छाता है देख सकते हैं, किसी के पास है ही नहीं है, और सब वापस आ जा रहे हैं। और ये देखो कितनी सारी मछलियाँ, बाप रे, इतनी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। और ये सब वो रोहू ब्रांड की मछलियाँ हैं भाई, देख के तो इन लोगों के मुंह में पानी आ जाता होगा जो फिश वगैरह खाते हैं। हालांकि धीरे से मैं बताऊं, मैं भी खाता हूँ मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा था यार, क्या मतलब एक से एक फिश यार, इतनी सारी फिश। जरा सा ब्रेड फेंको तो बहुत सारी मछलियाँ, लगभग मान के चलो कम से कम 20-25 क्विंटल मछलियाँ जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाती थी। और सोचो कितना ज़्यादा इस तालाब में, मतलब नैनीताल में कितना ज़्यादा इस तालाब में फिशेस हैं भाई, बहुत ज़्यादा फिश हैं। तो देख सकते हो बारिश बिल्कुल से, देखो बादल एकदम से छुआ हुआ है एकदम पहाड़ों में और चारों तरफ, और जैसे जैसे लोग ब्रेड फेंकते चले जा रहे थे एकदम बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा होती चली जा रही थी, देख सकते हो आप। एक ब्रेड पे बाप रे इतनी सारी फिशेस, ओ माय गॉड, मतलब मन एकदम से जो है घबरा जाए, अगर कोई गलती से भी ज़रा सा गिर जाए तो ये तो खा लें। हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल ये शाकाहारी है। तो ये थी, और अभी तक आपने देखा कि इतना सफ़र जितना हम लोगों ने तय किया बहुत ही प्यारा सफ़र था। अगर आपको नैनीताल आना है तो आप बरसात में भी आ सकते हैं, बट क्या है कि बरसात में थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग इन सब का ख़तरा ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा देख करके आएँ। और बाकी मैं कहूँगा कि बरसात में भी इतने मज़े होते हैं कि फिर बस पूछो मत, बहुत सुंदर लगता है यहाँ का वेदर, मतलब ऑल टाइम नंबर 1 रहता है। तो इसीलिए नैनीताल फेमस ही है कि ये इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत फेमस है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे जो रोपवे चलती है ना, रोपवे अभी देखो ये आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो रोपवे भी यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ नॉमिनल जो उसका चार्जेस है वो सरकारी चार्जेस है, वही रहता है लगभग 500 से 600 के बीच में, और ये आपको ऊपर टॉप तक ले जाता है जहाँ से आपको हिमालय दर्शन होता है वहाँ तक, और फिर अपना आराम से वहाँ से आप आ सकते हो आसानी से। हिमालय व्यू जिसको बोलते हैं, ये जो भी लेके जाते हैं साथ में ड्राइवर्स वगैरह, तो वो हिमालय व्यू ही बोलते हैं, उधर ही ये लेके जाता है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है ये, मतलब बिल्कुल दिल में बिल्कुल ज़बरदस्त जगह बनाने वाला मौसम है ये, बहुत प्यारा मौसम है। तो सब इंजॉय कर रहे हैं। और देखो ये सारे लोग, कितने सारे लोग ये सब छुपे हुए हैं इसके नीचे, शेल्टर के नीचे बहुत सारे लोग थे भाई, इतना मतलब लोग थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और सब ले करके बैठे थे। तो हल्का ठंडा था, बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे, बहुत ही प्यारा सा मतलब मौसम ये लग रहा था। लेकिन कुछ लोग इसमें परेशान भी हो रहे थे कि किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, बट बारिश वहाँ में अगर भीग जाता भाई मेरे, तो ये तो पक्का था बीमार होना पक्का था, क्योंकि एक तो ठंडा, दूसरे बारिश। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद जब बारिश ख़त्म हुई तो माता नैना देवी, जो कि नैनीताल में ही बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल जस्ट किनारे हैं नैनीताल के, तो बिल्कुल जस्ट किनारे ही हैं, तो उधर हम लोग माता के दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे थे। जैसे आप गेट से एंट्री करोगे तो सबसे पहले तो अपने शूज़ नेकआउट करने रहेंगे आपको, अपने शूज़ उतार दीजिए या स्लीपर जो कुछ भी है वो इधर रख दीजिए, वहाँ से टोकन नंबर मिलता है तो आप ले लीजिए। और उसके बाद में जा करके सबसे पहले प्रभु हनुमान जी का यहाँ पे दर्शन कीजिए उसके बाद में। और जिस टाइम पे हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से पकड़े हुए है, तो इस वजह से सैनिटाइज़र, मास्क इट मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सैनिटाइज़र और मास्क के किसी भी जगह पे आप जल्दी जा नहीं सकते हो। हर जगह पे पुलिस और ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से हो करके फिर ये है माता नैना देवी का मुख्य मंदिर, यहाँ पे हम दर्शन किए। और उसके पश्चात यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, दशावतार मंदिर है, माता नैना देवी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, तो मतलब कई जगह हैं, आप दर्शन करते रहिए। और प्रभु बाबा भोलेनाथ का भी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शिवलिंग है, बहुत ही अद्भुत छवि वाला शिवलिंग है, जहाँ दर्शन प्राप्त करते ही समझ लीजिए मन की मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो ये है भैरव मंदिर, यहाँ पर दर्शन किया। उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर बाद उधर गए दशावतार की तरफ। मंदिर में जितनी देर आप होते हैं, जितनी देर आप मंदिर में होते हैं, बिल्कुल आपका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत जगह पे है। और प्रभु भोलेनाथ और सबके जो दर्शन प्राप्त होते हैं, मतलब मन एकदम से तृप्त हो जाता है, संसार के सारे मोह माया से आप थोड़ी देर विरक्त हो जाते हैं। वाकई में आपको भले ही मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो आपको ये महसूस होता है कि हाँ वाकई में ये एक पॉजिटिव एनर्जी एरिया है, और इसका जो अद्भुत छवि है मंदिर की, वो बिल्कुल मन को प्रसन्नचित कर देता है। ये प्रभु भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा था। एक तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं तालाब है, दूसरी तरफ देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे भी प्रभु का जलाभिषेक कर रहे हैं। और एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि तालाब है बहुत बड़ा सा, दूसरी तरफ ये प्रभु का शिवलिंग, बहुत ही अद्भुत देख सकते हैं, बिल्कुल छटा निराली है इधर की एकदम। ये दशावतार मंदिर जाने का रास्ता है, चलते हैं। यह है शिव पार्वती अवतार प्रभु का दर्शन, मत्स्य अवतार का दर्शन, कक्ष अवतार का दर्शन और ये वाराह अवतार का दर्शन है। ये नरसिंह अवतार है, ये वामन अवतार है और ये परशुराम अवतार है और ये प्रभु श्री राम अवतार है और ये है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये बुद्धावतार है और सबसे लास्ट कल्कि अवतार। उसके बाद में पहुँचे हम लोग श्री राम सेवक सभा नैनीताल। यहाँ पर मंडी लगती है और हालांकि यहाँ पे ये जो सभागार है, यहाँ पे जैसे नाटक है, रामलीला है, ये रामलीला विशेषकर रामलीला के ही ये लिए ही ये वाला मंच बनाया गया है तो उसके लिए है। बाकी यहाँ पर सब्जी वैसे लगती रहती है, सुबह शाम यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है। पूरे नैनीताल की सब्जी इधर ही आती है और इधर से ही हर जगह जाती है। और बगल में ही है बाल मिठाई, यानी अगर नैनीताल आए और बाल मिठाई नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया, मज़ा नहीं लिया एकदम से। तो बाल मिठाई तो ज़रूर खाएं, बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई ये यहाँ पे ज़रूर खाएं और यहाँ से लेकर के जाएं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये मिठाई, एकदम अद्भुत। और इनके यहाँ पे तरह तरह की कई सारी मिठाइयाँ हैं, हालाँकि प्राइस थोड़ी से जो है इंक्रीज़ रहते हैं, बट मतलब सही है, चलता है, अच्छा है। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा हो तो पैसे देने में बुराई नहीं होती है, तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं इनके यहाँ के। नैनीताल के बगल में जो मार्केट है वहाँ के लिए हम निकले। तो एक तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ग्राउंड का कितना सुंदर सा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद में ये मार्केट है, इस मार्केट में अभी दुकानें सारी लग ही रही थी और हमें क्रॉस कर रहे थे ये पूरा मार्केट। और जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें बहुत सारे जगह हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी दुकान यहाँ पे ना लगती हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों की दुकान लगती है। और जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा के बाद में हमें ये नज़र आता है कि ये है एक छोटा सा एरिया जिसको तिब्बत मार्केट बोलते हैं। तिब्बत मार्केट में, तिब्बती मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं, चाउमीन, मोमोज, मतलब जितने भी चाइनीज़ फूड आइटम हैं यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। और तिब्बतिया जानते हैं कि तिब्बती लोग जो है क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट और ये सारी चीज़ें ये सब फेंकते हैं। तो ये सब यहाँ पे शॉप बहुत सारी हैं लेकिन महंगी हैं, थोड़ा कॉस्टली हैं ये। उसके बाद में हम थोड़ा जब झील के दाईं तरफ जब आप जाओगे तो एक कॉरिडोर टाइप का है, लंबा सा ये सड़क है। इस सड़क पे जब आप जाओगे तो इधर से भी नज़ारा बहुत ही प्यारा आता है। काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफी कराने के लिए इधर आते हैं, तो हम भी फ़ोटोग्राफी तो यहीं किए थे और देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से लग रहा है। इसके बाद में बोटिंग की हम लोग तैयारी कर रहे थे कि हाँ बोटिंग करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बोटिंग की और वाकई में फिर मज़ा ही मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पानी तो बिल्कुल आपको ब्लू ब्लू सा एकदम दिखेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हरा ब्लू ऐसा टाइप का दिखेगा एकदम से, और एकदम जैसे बिल्कुल क्लीन एकदम से दिखता है पानी। और जब आप बोटिंग करते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है, चारों तरफ देखते हैं जब आप चारों तरफ नज़ारा, तो वो बिल्कुल मन को भाने वाला नज़ारा रहता है, गजब का एकदम से मन प्रसन्न रहता है आप जब आप बोटिंग में ये सफ़र करते हो। और ख़ासकर अगर आपके साथ में आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो तो फिर तो क्या कहने। हालांकि मेरे साथ मेरी जान थी, मतलब मेरी वाइफ थी, तो हम लोग बिल्कुल मज़े कर रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि झील में साफ़ सफाई अगर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपसे विनती है अगर आप एक बार जाएं ज़रूर, फर्स्ट थिंग कि आप ज़रूर से ज़रूर जाएं नैनीताल और ये बोटिंग का मज़ा ज़रूर लें। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कचरा आप कूड़ेदान में ही डालें प्लीज़। तो भैया हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, वोटिंग के बहुत सारे वीडियोस मैंने इस तालाब से, इस ताल से मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, नीचे इसमें इंक्लूड कर दूंगा, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब अगर आप नैनीताल आएँ और यहाँ पर लेक में अगर आप बोटिंग ना करें, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। इसलिए अगर आएँ तो यहाँ बोटिंग तो ज़रूर करें भाई। और बोटिंग करेंगे तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कपल हैं तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे का ही फ़ोटो खींच पाएंगे, सेल्फी बड़ी बड़ा ही सेल्फी ले लिए। लेकिन यहाँ पर जो नाविक हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं, चाहे आपका पास DSLR हो या फिर कोई भी कैमरा हो, फ़ोन हो, तो आसानी से आपकी फ़ोटो एक से एक मस्त से मस्त निकाल देंगे, ये तो फिर मज़ा ही आ जाए, समझे ना। तो आप आओ नैनीताल अगर, तो जाहिर सी बात है आपको बोटिंग करनी ही करनी चाहिए। तो दोस्त आज डेट क्या है? 8 है ना, आज 8 है। मेरे पास अभी 2 दिन बचे हैं। मैंने आपको भीमताल घुमाया, भीमताल, भवाली, रानीखेत, मुक्तेश्वर, रॉक पॉइंट, बाबा नीम करोली, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको घुमा दी हैं। तो अगर आप आए नैनीताल तो जाहिर सी बात है, हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है वो, उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि लोकल जो मतलब बोले तो जो अभी तक यहाँ पे लोग आ नहीं रहे थे, तो यहाँ का जो व्यवसाय है सब टोटल टूरिज़्म पे जो है निर्भर करता है। तो अब बंदे आ रहे हैं, तो लोग जो अभी प्यासे थे, पैसे जिनके पास जो पैसे नहीं कमा पाए थे, वो अब सोच रहे हैं निकाल लें इसी टाइम पे। तो भैया अगर आपको अभी आना है तो मोटी जेब करके आना है यहाँ पर। हाँ, जहाँ मुझे रूम मिलता था 1200-1000 में, वहाँ अभी मैंने 2500 रुपये लिया हुआ है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना तगड़ा जो है जेब होना चाहिए। तो अभी ख़ासकर मैं अपने मूवी के उसके लिए आया था, स्पॉटिंग के लिए। तो लगभग मेरी सारी स्पॉटिंग कंप्लीट हो गई है। आखिरी पड़ाव मेरा नैनीताल था। यहाँ पर एक मेरे को एक रिज़ॉर्ट देखना है, अभी मैं देखने जाऊँगा थोड़ी देर बाद में। तो रिज़ॉर्ट देखने के बाद में मुझे उसको बुक करना है। मेरी मूवी की का जो शूट है वो 24 से, आई थिंक 24 या 25 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो खासकर मैं उसके लिए आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने सबसे खूबसूरती यहाँ नैनीताल की एक और है कि यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, बगल में मंदिर है, और एक तरफ जो है मस्जिद है, मतलब एक मिक्सचर है बहुत ही अच्छा। यहाँ के जो लोग होते हैं, इतना बढ़िया बिहेवियर होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैं तो वैसे भी पर्सनली कई बार मैं आ चुका हूँ, अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ कि जो यहाँ के पहाड़ी जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर वाकई में बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही मीठा होता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बदमाश टाइप के, जैसे कहना तो नहीं चाहिए, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, टैक्सी ड्राइवर आपको उल्लू बना देंगे कि चलो ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, और वो दिखाएंगे कुछ भी नहीं। मतलब जाओगे तुम्हें तुमको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ बोलेंगे यहाँ पे ये शूट हुआ था, वहाँ पे वो शूट हुआ था, उस फिल्म का शूट हुआ था, यहाँ से तुमको वो दिखा देंगे, वो हिमालय दिखा देंगे। बट क्या घंटा इस टाइम पे हिमालय दिखाओगे भैया? चारों तरफ बादल है, दिखेगा ही नहीं दूर से। तो इसलिए जब आप मौसम सही रहे तब आप अपने अकॉर्डिंग जाएँ और अपने अकॉर्डिंग देखें, तभी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। और ऐसे वैसे आपको टैक्सी बुक नहीं करनी है। कम से कम रेट यहाँ पर जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो, वो बार्गेनिंग में मास्टर होते हैं, जितना आप बार्गेनिंग कर पाओगे उतनी अच्छी तरीके से आप, उतने कम पैसे में उतने अच्छे तरीके से आप घूम सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और ख़ासकर अगर टैक्सी के लिए अगर मन्नू भैया मिल गए आपको, पूछ लेना किसी से, यहाँ पर किसी से पूछ लेना मन्नू भैया, अगर वो मिल जाएंगे तो ये सोच लो कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस और अच्छे से अच्छा प्लेस और पॉइंट्स आपको घुमा देंगे कि आपको फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक ख़ास जो है बातें जो मैंने आपको बताई नैनीताल की। और मैं ये तो ज़रूर कहूँगा भाई कि अगर कहीं जन्नत है तो आई थिंक दिस प्लेस, यानी नैनीताल। आई लव दैट प्लेस यार। मैं यहाँ पे पिछले लगभग 8-10 सालों से आ रहा हूँ, 8 सालों से तो आ ही रहा हूँ मैं, और 8 सालों से लगभग मैं कम से कम क्या 12-13 बार भी नहीं आ चुका, लेकिन मेरा मन नहीं भरता है। हर बार आता हूँ, हर बार घूमता हूँ, अच्छे से मज़ा आ जाता है यार। मैं बहुत ज़्यादा जब बोर होता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आता हूँ, तो मैं चल देता हूँ, मैं सारे काम काज छोड़ के चल देता हूँ, नंबर 1 बस घूमना। और घूमने के लिए वो प्लेस यानी नैनीताल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की सबसे खास बातें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगे और ये मेरा जो ब्लॉग है अभी तक जो मैंने आपको घूम के आपको दिखाया सारी चीज़ें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोज और अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, घूमने के लिए, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को मेरे लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी बात है, कोई चीज़ आपको पूछनी तो मैं आके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं देखते ही तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। और बाकी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।